अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एवोगैड्रो नंबर पढ़ना है। जैसे कि कल हमने पढ़ लिया था एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास। थोड़ा सा मैं उसके बारे में रिवाइज कर देती हूँ। ग्राम एटॉमिक मास हमने कहा कि सिंपली अगर हम किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसे हम ग्राम में लिख रहे हैं तो वी वुड कॉल्ड इट ग्राम एटॉमिक मास। फिर सिंपली हमने कहा है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड का, एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसे हम लिख रहे हैं ग्राम में मॉलिक्यूलर मास को, तो वो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। और किसी ऑयली कंपाउंड का, किसी साल्ट का, लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट एंड सो मेनी साल्ट्स है, अगर उनके मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास को हम ग्राम में लिख रहे हैं तो उसका हमने ग्राम फॉर्मूला मास कह दिया। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर। अमीटो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने ये अपना नंबर दिया था, एवोगैड्रो नंबर। क्या इसे ये नंबर दिया था, क्या है ये एवोगैड्रो नंबर? इंटरेस्टिंग है ये बहुत ज्यादा। इसमें उसने ये कहा था कि अगर हम कहते हैं हमारे पास एक डिश है, एक डिश है, ये एक स्पून है और उस स्पून में हमारे पास एक ग्राम नमक है, NaCl, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो एक ग्राम नमक है, एक ग्राम NaCl है, इसमें कितने NaCl पाए जा रहे हैं? ठीक, या हम कहते हैं हमारे पास एक ग्राम जो है वो सोने की तार है, एक ग्राम सोना है, एक ग्राम कॉपर है या एक ग्राम गोल्ड है, तो हम कह रहे हैं उस एक ग्राम कॉपर में या एक ग्राम गोल्ड में, गोल्ड के या कॉपर के कितने एटम्स पाए जा रहे हैं? या हम कहते हैं हमारे पास एक ग्लास में पानी है, वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर है, उस एक ग्राम पानी में हमारे पास ये वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं? अब एक वाटर है, लाइक वी हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, इज इट कंपोज्ड ऑफ जस्ट 1 मॉलिक्यूल? नो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल तो बहुत छोटी टर्म यूनिट है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले और फिर हमारे पास वाटर का एक ग्लास पानी या एक कतरा पानी हमारे पास आया, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो एक ग्राम NaCl है, इस एक ग्राम नमक में हमारे पास सोडियम क्लोराइड कितने पाए जा रहे हैं, मतलब इनके कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं? फॉर्मूला यूनिट्स ही यूज करते हैं ना डायरेक्ट कंपाउंड के लिए, जो कोवलेंट कंपाउंड है जैसे वाटर उसके लिए हम मॉलिक्यूल, और जो आयनिक कंपाउंड है उसके लिए हम फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं वर्ड। या हम कह रहे हैं हमारे पास एक ग्राम सोना है, एक ग्राम दो ग्राम सोना आपने सुना ही होगा, बाद उस अक्षरों में बताते हैं, तो उस एक ग्राम सोने में कितने सोने के जो एटम्स हैं? ऑरियम, ऑरियम कहते हैं ना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में गोल्ड को, ऑरियम AU, कितने उसके एटम्स हैं? या एक ग्राम कॉपर है हमारे पास और उस एक ग्राम कॉपर में कॉपर के कितने एटम्स पाए जा रहे हैं? या हम कह रहे हैं हमारे पास एक ग्राम पानी है और उस एक ग्राम पानी में इस वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं? इसके लिए एवोगैड्रो ने अपनी एक टर्म पेश की थी, उसने अपना एक नंबर दिया था जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या है एवोगैड्रो नंबर? इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में तीन चीजें आ रही हैं, फॉर्मूला यूनिट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब उसने ये कहा है कि एक ग्राम NaCl में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, किसके? NaCl के। किसके? NaCl। एक ग्राम कॉपर एटम, कॉपर की तार में, या एक ग्राम सोना है उसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, किसके? कॉपर के या गोल्ड के। एक ग्राम वाटर है
तो उस 1 ग्राम वाटर में 6.02 × 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके 1 ग्राम में वाटर में, 1 ग्राम वाटर में, एंड देयर आर 1000 ग्राम्स इन 1 किलोग्राम और 1 ग्राम में इतने पाए जा रहे हैं। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन में के हमारे पास अगर 2 किलो शुगर है तो उस 2 किलो शुगर में कितने हमारे पास शुगर के एटम्स पाए, मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, C12H22O11 कितने पाए जाएंगे। तो आप 1 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम है, 2 किलो में कितने, 2000 ग्राम होंगे, 2000 ग्राम इन 2 किलोग्राम, तो उसको 2000 ग्राम को मल्टीप्लाई करते 6.02 × 10^23 एंड 6.02 × 10^23 इज नॉट अ स्मॉल फिगर, बहुत बड़ी वैल्यू है। 23 मतलब आगे 23 जीरो लगाए कितना ज्यादा हो जाता है, इतनी बड़ी वैल्यू है ये, तो इतना ही होता है, एक एटम बहुत छोटा है और एटम्स भी नहीं है, दो मॉलिक्यूल बना, तो मॉलिक्यूल में कितना सा होगा, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिलके फिर 1 ग्राम बनाते हैं और 1 ग्राम बिल्कुल थोड़ा सा होता है। तो ये सिंपली उसने एवोगैड्रो ने अपनी टर्म पेश की थी कि इसने कहा था एवोगैड्रो नंबर क्या है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10^23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में हमारे पास 3 चीजें आ रही है, फॉर्मूला यूनिट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कि अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट द एटम्स, तब हम एटम्स की बात करेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट कंपाउंड तब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द साल्ट्स तो तब हम फॉर्मूला यूनिट की बात करेंगे ही। तो ये उसने जो है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो अमीडो एवोगैड्रो ने अपना एक नंबर पेश किया था। और जिस तरह से हम कहते हैं हमारे पास कल हमने पढ़ा कि कोई भी 1 ग्राम है, किसी भी 1 ग्राम एटम का जो वेट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, कल हमने इसके बारे में बात की थी ना, 1 मोल के, कि 1 ग्राम एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का तो वो किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वाटर का तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 मोल ऑफ वाटर के, 1 मोल हमारे पास ये है एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, या 1 मोल फॉर्मूला मास है NaCl का तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 मोल, मतलब हम उसको 1 मोल के बराबर लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अब जिस तरह हम गन माइनिंग करवाई होती है, जिस तरह 1 मीटर की तार है उसमें जो कॉपर है उसके कितने, एक तार में कितने ज्यादा एटम पाए जा रहे हैं, और जब उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने एक मतलब एक दिन में उसके इतनी सी तार जाए हुई है, इतने इतने में इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसकी वजह से मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, वो तो इलेक्ट्रॉन का आगे बता रहा है काउंट करने का, वेरी गुड। हम यही है कि बेसिकली एटम्स को काउंट करना और वो उनको बताना दैट इज नॉट, बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट टास्क है, कोई इजी काम नहीं है ये। तो इस वजह से उन्होंने एवोगैड्रो अमीडो एवोगैड्रो ने अपना ये दिया था इससे एवोगैड्रो नंबर, और ये बिग कॉन्ट्रीब्यूशन थी कि उसने ये बताया कि हमारे पास 1 ग्राम कोई भी चीज है तो उस 1 ग्राम में हमारे पास इतने उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें जो मर्जी चीज हो लाइक हाँ सारे केमिकल्स ही है ना, कुछ केमिकल साल्ट्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स है, माइक्रोस्कोप से नहीं, जैसे एक एटॉमिक साइज है उसको मेजर करना होता है हम वो पिकोमीटर से मेजर करते हैं, तो इस तरह से अपरेटस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम सर्च करेंगे कि कौन से हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स या अपरेटस यूज करते हैं टू मेजर द नंबर ऑफ एटम्स, टू मेजर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगी कि हम कौन से जो है वो किस तरह से How actually Avogadro measured the number of particles? कैसे उसने number of particles को measure किया था? उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। आपको यहाँ तक clear है सबको? Yes. Simple इसने ही अपना number दिया है। अब हम कहेंगे हमारे पास 6.02 × 10^23 formula units of NaCl are equivalent to 1 mole. 1 gram और 1 gram is equivalent to 1 mole.
इस तरह 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 इस तरह 23 एटम्स ऑफ कार्बन या एटम्स ऑफ कॉपर या एटम्स ऑफ गोल्ड आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल एंड 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 इस तरह 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर ये एवोगैड्रोस नंबर है समझ आ गई इसकी सबको और यही मोल की डेफिनेशन है कि मोल मतलब कि हम कह रहे हैं हमारे पास 1000 ग्राम्स होंगे तो 1 किलो बनेगा ही इसका वेट कितना बनेगा 1 किलो मैं इसको भैया करने के लिए इसी तरह से कोई भी चीज है उसके 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स है तो उसका मास कितना होगा 1 मोल ठीक है द अमाउंट आर मास ऑफ द सबस्टांस दैट कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको हम 1 मोल कहते हैं ठीक है कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं वो 1 मोल और उससे डबल पार्टिकल पाए जाएंगे तो वो 2 मोल ट्रिपल पाए जाएंगे तो वो 3 मोल हाफ पाए जाएंगे तो वो 0.5 मोल ठीक है तो वो मोल इज एक्चुअली द मास कि जिसमें इतनी चीजें पाई जा रही है उसका ये एक मास है 1 मोल वो उन्होंने मोल उसके लिए यूज किया ठीक समझ आ गई आपको एवोगैड्रो नंबर की बढ़ता एवोगैड्रो नंबर सब कुछ समझ आ गई है एनी क्वेश्चन अबाउट दिस